जिले में मुहर्रम को लेकर धनबाद पुलिस की तरफ से अभी फ्लैग मार्च निकाली गई है और आप देख सकते हैं कि डीएसपी सीसीआर के नेतृत्व में निकाले गए इस फ्लैग मार्च में भारी संख्या में पुलिस के जवान के साथ साथ जो दूसरे जिले से आए हुए जवान हैं, आईआरबी के जवान हैं और इसके अलावा जो तमाम अलग अलग फोर्स के जवान हैं वो इस फ्लैग मार्च में शामिल हो रहे हैं और किसी भी स्थिति से निपटने में धनबाद पुलिस सक्षम है और इसकी जो मैसेज है देने की कोशिश की जा रही है इस फ्लैग मार्च के माध्यम से। तो क्या कुछ कहा है डीएसपी ने आपको सुनाते हैं। फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं जो कि सीसीआर से निकलेगा। अभी हम लोग के साथ टाइगर मोबाइल है, पीसीआर वैन है और जो हम लोग के पास क्यूआरटी टीम मिली हुई है उसको लेकर हम लोग फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं पूरे धनबाद में, जो कि झरिया होते हुए कतरास जाएगी, फिर कतरास से हम लोग हीरक रोड होते हुए, सरायढेला होते हुए, आपका स्टील गेट होते हुए आपका रणधीर वर्मा चौक पे। कितने जवान शामिल है फ्लैग मार्च? हम लोग के साथ करीब करीब 200 जवान शामिल है जिसमें हम लोग के पास करीब 50 महिला आरक्षी हुई है। क्या संदेश देंगे सर? संदेश देंगे कि हमारे कल जो है मुहर्रम का त्यौहार है जिसके लिए सभी लोगों को जो है हार्दिक ये है और त्यौहार को जो है अपना सौहार्दपूर्ण ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं, भाईचारे की भावना के साथ मनाएं, यही संदेश देंगे। कुछ अपील करेंगे लोगों से अपील करेंगे कि अपने जो है सौहार्दपूर्ण ढंग से जो है इस पर्व को मनाएंगे और नियमों का पालन करेंगे। जो पुलिस प्रशासन का जो तैयारी है वो हम लोग ने पुख्ता तैयारी की हुई है और हम लोग का कंट्रोल रूम पूरा एक्टिव है जहाँ पे 24/7 एक नंबर भी हम लोगों ने चालू कर रखा है। हमारा एम्बुलेंस सेवा, हमारी फायर ब्रिगेड की सर्विस सारे मुस्तैद है और हम लोग पूरी तरह जन सहयोग के लिए तैयार हैं। किन किन नंबरों में भी लोग फोन कर सकते हैं? 112 हमारा पूरी फुल्ली फंक्शनल है जिसमें आप कभी भी अपना शिकायत फोन के माध्यम से लॉज करा सकते हैं और तुरंत उस पर मिनटों के अंदर कार्रवाई हम लोग करते हैं। जिस तरह से डीएसपी ने बताया है कि यहाँ पर सभी लोगों से अपील की जाती है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से सौहार्दपूर्ण माहौल में इस त्यौहार को मनाएं, मुहर्रम के दौरान जो एसओपी जारी किए गए हैं, जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका पालन करें और साथ ही किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। सोशल मीडिया पर पुलिस नज़र रख रही है तो ऐसे में किसी भी तरह की अगर अनहोनी होती है तो इसके लिए जो संबंधित अखाड़े के लोग होंगे वो जिम्मेवार होंगे। ऐसे में आपको सावधान और सतर्क रहना है। पुलिस ने 112 नंबर जारी किया यानी कि 112 पर आप कॉल करके आपात स्थिति में पुलिस का सहयोग ले सकते हैं। सहयोगी विपिन के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज बाइस्कोप, धनबाद। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निशार अख्तर को अमेजोन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44,50,000 का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।